यूपी के मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा। कार्यवाही करीब 17 घंटे चली। इस दौरान टीम को घर से हिरन, सांभर की खोपड़ी सहित दूसरे जंगली जानवरों की खाल और हड्डियां भी मिली। टीम ने 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया। DRI की टीम यहां आय से ज्यादा प्रॉपर्टी के मामले की जांच करने आई थी, लेकिन जब उसने अंदर हिरन, तेंदुए और सांभर की खाल रखी देखी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लोकल टीम को भी मौके पर बुला लिया। छापे के दौरान घर के अंदर फ्रीज कंटेनिंग में 45 पैकेट मिले। जब इन पैकेटों को खोलकर देखा गया तो उसमें जंगली जानवरों का मांस भी था। इस मामले में रिटायर्ड कर्नल सहित प्रशांत बिश्नोई नाम के एक अन्य शख्स के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।